ये जनता लोनी की लोनी में कमल खिलाएगी, ये जनता लोनी की लोनी में कमल खिलाएगी, भारी मतों से पुष्पा जी को विजय बनाएगी, भारी मतों से पुष्पा जी को विजय बनाएगी। या प्रदेश में भी अपनी सरकार है, हमारे विधायक जी हमारे केंद्र में, और हमारे आप सभी देखा होगा आपने इतनी भीड़ के देखते हुए, और पूरी लोनी आशीर्वाद दे रही है अपनी पुष्पा सतपाल प्रधान को, और हम 13 तारीख में बहुत ही भारी उससे जीत रहे हैं वोटों से, और 1 लाख पार का आंकड़ा हम देखो जनता खुद कह रही है, जनता की आवाज आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पत्र, मेरा नाम है विनोद शर्मा, मेरे साथ चंचल बंजारा है जो कि लोनी की रहने वाली है, और लोनी में नगर निकाय चुनाव है, यही वो लोनी है, यही वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एरिया है जहां पर डीजे बैन करवाए गए थे, और चंचल बंजारा ने गाना बनाया था कि डीजे चलवा दिए योगी ने, धूम मचा दी योगी ने। चंचल जी, एक बार फिर आपसे चुनाव में मुलाकात हो रही है, प्रत्याशी आपके साथ खड़ी हुई हैं, पुष्पा जी जिनको भारतीय जनता पार्टी ने अपना निशान देकर भेजा है, लोनी में आप खुद रहने वाली हैं, पहले तो मैं ये समझना चाहूँगा कि पहले की लोनी में और अब की लोनी में क्या फ़र्क है। देखिए, पहले की जो लोनी थी ना, आप ये मान लीजिए जैसे आज आप खड़े होकर इंटरव्यू करें ना, आप तब कर नहीं सकते थे, क्योंकि इतना छिछोरपंथी, इतना गुंडागर्दी थी सड़कों पे, महिलाओं का ऐसे खड़ा होना तो बिल्कुल आप सोच नहीं सकते थे कि हम लोग ऐसे खड़े होकर आपको इंटरव्यू देते। आज की ये लोनी है कि भीड़ में भी खड़े हैं, कोई डर नहीं है, क्योंकि बाबा की सरकार है। क्या कहेंगे, जरा एक गीत मैं सुनना चाहूँगा इस निकाय चुनाव के लिए, अगर पुष्पा जी के लिए आपने कुछ बनाया हो तो। मैंने पुष्पा जी के लिए गीत बनाया, हमारी बड़ी भाभी है, लोनी की जनता से अपील की है कि 11 मई को इतना कमल खिलाना है, इतना कमल खिलाना है कि जो नलके वाले हमारे सामने गठबंधन करके आ रहे हैं, इनका नलका उखाड़ना है, जैसे सनी देओल ने गदर उखाड़ा था। तो पुष्पा जी के लिए भी मैंने लाइन बनाई थी, ये जनता लोनी की लोनी में कमल खिलाएगी, ये जनता लोनी की लोनी में कमल खिलाएगी, भारी मतों से पुष्पा जी को विजय बनाएगी, भारी मतों से पुष्पा जी को विजय बनाएगी, ये जनता लोनी की लोनी में कमल खिलाएगी। क्या कहेंगे, नंद किशोर गुर्जर को लोनी की जनता ने दूसरी बार चुनकर विधायक बनाया है, और अब की बार फूल पर पुष्पा को यहाँ पर उतार दिया है मैदान में, क्या कहना चाहेंगी? देखिए, नंद किशोर जी को इसलिए दोबारा विधायक बनाया था, चुना बीजेपी ने, क्योंकि वो डिजर्व करते थे, उन्होंने लोनी का जो बुरा हाल था, जो कि मैं अभी आपको बता रही थी कि अभी हम ऐसे खड़े होकर इंटरव्यू कर रहे हैं, हम ऐसे महिलाएं लोनी की, हम ऐसे खड़े नहीं होते थे पहले, ठीक है, डांटे मार के हम लोग बाहर निकलते थे, तो विधायक जी ने 2017 में जब वो जीते थे तो उन्होंने बहुत अच्छा माहौल उसके बाद से कर दिया है, कोई भी गुंडा मवाली सड़क पर नहीं दिख सकता आपको, एक लखनऊ में बाबा बैठे हैं जो मिट्टी में मिला देते हैं, और एक हमारा विधायक नंद किशोर ऐसा है, इसलिए उनको दोबारा चुना विधायक बनाया, और भारतीय जनता पार्टी ने पुष्पा प्रधान को इसलिए चुना है क्योंकि हमारे जो भैया हैं, इनके जो हस्बैंड है सतपाल प्रधान जी, वो काफ़ी समय से भारतीय जनता पार्टी में लग के वो लोग इतना समय से अच्छा काम कर रहे हैं, और बहुत ही मान लीजिए आपकी समाज सेवक है, बहुत अच्छे हमारे बड़े भाई हैं, और ऐसी हमारी भाभी हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हैं काफ़ी समय से, और भैया के साथ मिलके कदम से कदम मिला के ये कार्य कर रही हैं, तो इसलिए बीजेपी ने इन्हें मौका दिया है ये बताने के लिए कि रंजिता धामा को हमें जवाब देना है। हमारी भाभी का कहना है कि मैं बोलने में विश्वास नहीं करती, मैं काम करने में रखती हूँ, और अभी जब मैं चेयरमैन बनूंगी तब आप देखना कि मैं वो काम करूँगी जो 10 साल में मनोज धामा, रंजिता धामा नहीं कर पाए। क्या कहेंगे महिलाएं, अब की बार क्या मजबूत तरीके से पुष्पा को जिताने के लिए लोनी में काम कर रही है, मजबूत मानती हैं महिलाएं कि अब की बार पुष्पा जी को जिता के भेजेंगे? बिल्कुल, ये पूरी वही लोनी है जो आतंक के नाम से, क्राइम के नाम से जानी जाती है, अब राम राज्य जैसे नाम से जानी जाती है, और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ योगी जी को, हमारे पुष्पा सतपाल प्रधान जी को, हमारे प्रत्याशी चेयरमैन के लिए चुना गया है, क्योंकि वो एक कार्यकर्ता है, जो कार्यकर्ता है वो ज़मीन से जुड़ा होता है, और जो ज़मीन से जुड़ा होता है उनको अपने विकास का बहुत ध्यान रहता है, जो लोनी में 10 साल से विकास नहीं हो रहा था, वो बंद पड़ा था, वो अब स्टार्ट होगा, क्योंकि आपको पता ट्रिपल इंजन सरकार है, यहाँ प्रदेश में भी अपनी सरकार है, हमारे विधायक जी हमारे केंद्र में, और हमारे आप सभी देखा होगा आपने इतनी भीड़ के देखते हुए, और पूरी लोनी आशीर्वाद दे रही है अपनी पुष्पा सतपाल प्रधान को, और हम 13 तारीख में बहुत ही भारी
भारी उससे जीत रहे हैं वोटों से। और 1 लाख पार का आंकड़ा, हम देखो देखो जनता जनता खुद कह रही है, जनता की आवाज आ रही है और इनका विश्वास है और ये विश्वास जीतेगा और भारी वोटों से हम जीत रहे हैं। पुष्पा सतपाल प्रधान हमारी चेयरमैन है, जो 10 साल में विकास रुका हुआ था वो 1 साल में होगा। और नलके को उखाड़ फेंकने की ताकत हमारे नंदकिशोर गुर्जर जी कर चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप क्या अपील करना चाहेंगे क्षेत्र की जनता से? 11 तारीख को चुनाव है, क्या अपील करेंगे? मैं यही अपील करूंगी कि मेरी देवतुल्ला जनता मेरा साथ दें, लोनी में विकास होएगा, जो 10 साल से नहीं हुआ वो 10 महीने में होएगा। बहुत बहुत बिल्कुल आखिरी सवाल आपसे ये करेंगे, एक एक गाना और हो जाए बिल्कुल आखिरी में, क्योंकि मैं आपसे जब भी मिलता हूँ मेरा बड़ा मन होता है कि मैं आपसे साक्षात गाना सुनूं। एक जरा जो आपने बनाया था जब डीजे रुकवाए थे, इसी लोनी से जाती है कावड़ यात्रा, इसी लोनी के अंदर जब डीजे रुकवा दिए थे उस सरकार में, तब आपने गाना बनाया था, क्या कहना चाहेंगी? वो मैंने डीजे बजवा दी, योगी ने बनाया था, सबने बहुत सुन रखा है। मैं आपको वो नहीं सुनाऊंगी, मैं आपको दूसरा सुनाऊंगी, उसमें मैं ये बताऊंगी लोनी की जनता से और उत्तर प्रदेश के हर नागरिक को ये कहूंगी कि आपको कमल खिलाना है और वो काम करना है जो 2022 में योगी जी ने किया था। क्योंकि जो विरोधी थे, जो गठबंधन करके बाबा के सामने आ रहे थे, वो कह रहे थे कि बाबा तो मठ जाएगा, बाबा को हम हरा देंगे, क्यों? लेकिन बाबा अकेले खड़े थे, डटे रहे और जीत कराए, फुल बहुमत के साथ हमारी सरकार बनी। तो मैंने गाना बनाया था जीत गया बाबा बुलडोजर वाला, कि उसमें क्या हाल किया था विरोधियों का बाबा ने। अरे नल का पानी सूख गया, साइकिल की बन गई रेल, ये हाथी पंजा आड़ू झाड़ू हो गए सारे खेल, जीत गया बाबा बुलडोजर वाला, हो गया दुश्मनों का मुंह काला, जीत गया बाबा बुलडोजर वाला, हो गया दुश्मनों का मुंह काला, योगी जी ने किया कमाल, कर दिया विरोधियों का बुरा हाल, लगा दिया मुंह पे सभी के ताला, जीत गया बाबा बुलडोजर वाला। तो बुलडोजर का कमाल लोनी की जनता दिखाएगी, बुलडोजर का कमाल लोनी में नजर आएगा, क्या 11 तारीख तो लोनी की जनता 11 तारीख को वोट करेगी। लेकिन देखना यह होगा कि क्या लोनी की जनता अब की बार लोनी में बदलाव करने जा रही है, क्या लोनी में अब की बार कमल का फूल खिलने जा रहा है। जिस तरीके से जनता जनार्दन 11 तारीख को वोट करेगी और 13 तारीख को यहाँ का रिजल्ट आएगा कि आखिर लोनी में अब की बार जनता क्या मूड बनाकर बैठी है। आप इस खबर पे, इस वीडियो पर अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, लोनी नगर पालिका परिषद क्षेत्र से।